तो रसल ने कहा कि कुछ चीज़ें ये ऐसी हैं जिनका डिस्क्रिप्शन संभव नहीं है। अब उन्होंने कहा डिस्क्रिप्शन देते समय भाषा पर बड़ा नियंत्रण चाहिए। ये हम शुरू में देख चुके हैं कि रसल भाट ने क्लैरिफाई करने के लिए भाषा के कई शब्द हटा दिए हैं, जैसे सिम्बोलिक लॉजिक कई हमने बताया कि एंड हटा दिया उन्होंने। रसल ने कहा कि एंड बड़ा कन्फ्यूजिंग है, और एग्जाम्पल दी उन्होंने वो कि बनाना एंड एप्पल आर गुड फॉर हेल्थ। तो ये एंड जो है ये क्या है, बनाना को एप्पल के साथ मिला करके खाओ तब ये गुड फॉर हेल्थ है, या बनाना भी हेल्थ के लिए अच्छा है एप्पल भी अच्छा है तो फिर इसका रूप बदल जाएगा, ये एंड नहीं रहेगा, ये एंड जो है और बन जाएगा। तो इसलिए उसने सिंबल दो बना दिए, रसल ने दो बना दिए सिंबल। जब दोनों को कंबाइन करना है तो डॉट लगा दिया, बनाना डॉट एप्पल इज दिस थिंग। इसका मतलब बनाना और एप्पल जोड़ करके मिला करके हेल्थ के लिए अच्छी है। और जब इसको ये कराना है बनाना भी अच्छा है एप्पल भी अच्छा है तो वेज लगाओ, एंड ये ख़त्म कर दो, एंड का शब्द ही डॉट और वेज, एंड के दो मतलब दो, एंड के दो अर्थ टाइप हो गए। डॉट का मतलब हो गया दोनों को जोड़ो, और वेज का मतलब हो गया आइदर और, आइदर बनाना और एप्पल। तो इस तरह से एंड को बिल्कुल निकाल दिया, उन्होंने कहा एंड बड़ा कन्फ्यूजिंग है इसको निकाल दो। इस तरह से बहुत सारी चीज़ें उन्होंने सिम्बोलिक लॉजिक के अंदर ला करके और भाषा को शुद्ध करने की कोशिश की। ये हम पहले देख चुके हैं कि इन्होंने इसी तरह और भी हमने देखा कि ईद को भी हटा दिया इन्होंने, ईद को पुटा है वर्ब नहीं है। तो इसलिए रसल कहते हैं कि डेफिनेट जब डेफिनेशन को लाते हैं डिस्क्रिप्शन को तो हमें पहले लैंग्वेज का ध्यान करना चाहिए। उसमें कल भी हमने देखा था कि इन्होंने विटगेंस्टीन वाली बात भी मान ली है, हमारे जो प्रत्ययवादी हैं उन्होंने इस चीज़ को एक एग्जाम हमने पहले दी थी जब आइडियलिज्म का खंडन कर रहे थे, और तो उन्होंने कहा कि एग्जाम्पल ये क्या करते हैं कि जो ऐसे शब्द हैं जिन शब्दों का आपस में जोड़ने के बाद वो शब्द मीनिंगफुल शब्द भी मीनिंगलेस हो जाते हैं। जैसे उन्होंने कहा दी दैटनेस ऑफ दैट कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम दी व्हाटनेस ऑफ दैट। क्या अर्थ हुआ इसका, ये सिर्फ आइडियलिस्ट ही जानते हैं इसका अर्थ, और कोई समझ कहीं भी नेस लगा दो जिसके चाहो, नेस लग सकता है या नहीं लग सकता, किन शब्दों के साथ नेस लगाओगे तो मीनिंगफुल होगा, किन शब्दों के साथ नेस लगाओगे तो मीनिंगलेस बन जाएंगे वो। तो जो बात क्यों बात, ये जो विटगेंस्टीन तो लेटर हैं लेकिन रसल ने इनका भी प्रभाव थोड़ा सा ले लिया कि क्लैरिटी करो हमें। तो जैसे इन्होंने विटगेंस्टीन ने दिखाया कि मीनिंगफुल वर्ड भी अगर ठीक तरह से ना जोड़े जाएं तो मीनिंगलेस बन जाते हैं। बॉय फुटबॉल रेल, तीनों शब्द मीनिंगफुल हैं लेकिन इनको जोड़ो, और अगर इसमें वर्ब भी लगा दो लोग कहेंगे वर्ब तो है ही नहीं इसमें कोई भी, तो क्या हुआ, बॉय हैज फुटबॉल रेल, फुटबॉल हैज बॉय रेल, क्या मीनिंग हुए। तो मीनिंग शब्द मीनिंगफुल शब्द को भी अगर हम ठीक तरह से नहीं जोड़ते या ये नहीं देखते कि कौन सा शब्द किसके साथ जुड़ सकता है तो मीनिंगलेस बन जाते हैं। तो रसल ने कहा कि डिस्क्रिप्शन करते समय लैंग्वेज का भी हमें क्लैरिटी देखनी है, लैंग्वेज की क्लैरिटी पर बहुत कुछ भी लिखा जा सकता है, बहुत ज़्यादा है।